अमोल गाइस, हम आज आ गए हैं कानिकनाथ, जो हड़पसर से एक लगभग कम से कम एक 10 किलोमीटर होगा। वहाँ पे एक अच्छा ट्रैक है और आगे जाके एक कानिकनाथ का मंदिर है। तो 100% कंप्लीट कर चुके हैं मी एंड मेरे साथ है अश्विनी एंड हम दोनों ट्रैक कर रहे हैं। एंड आज संडे, तो थोड़ा सा संडे के दिन थोड़ा सा चिल करना था थोड़ा सा, तो सोचा कि एडवेंचर कर ले। तो हमने अभी अभी स्टार्ट किया था। टाइम क्या हुआ था स्टार्ट जब किया था अश्विनी? 2 o'clock? नहीं, 2 o'clock तो हम हड़प्सर से निकले थे, तब था ना स्टार्ट किया था। तब कितना टाइम हुआ था? 2:50 शायद। 2:50 डायरेक्ट? कम से कम एक 1.25 घंटे का ट्रैक है ऑलमोस्ट, जैसे अश्विनी पहले भी कर चुकी है, बट उसको अभी अंदाजा नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं अभी 40% हमने कंप्लीट कर लिया, तो देखते हैं। लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा सा दम लग रहा है। तो देखते हैं आगे जाके कैसा मंदिर है क्या है, और हम देखते हैं यो। यहाँ पे अमोल जी चढ़ाई कर रहे हैं अभी, देखते आगे कितना बाकी है। नजदीक है इसलिए यहाँ से आप देख सकते हैं पुणे सिटी प्रॉपर दिख रही है यहाँ से, और ये हड़प्सर के पास है। तो यहाँ से ये हड़प्सर के नजदीक का जो भी है फ्यूचर टावर वगैरह, तो यहाँ से एकदम से साफ नजर आता है, तो आप देख सकते हो। तो पुणे सिटी के नजदीक जो भी हड़प्सर में रहते हैं, जो भी मगरपट्टा में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही पास में यह ट्रैक देख सकते हो ट्रैकिंग करने के लिए, और ये ट्रैकिंग का मजा ले सकते हो आप। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, 3 बजे लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी है, एकदम बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ही अच्छा नेचर है। लेट्स से चलो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो भी बचा हुआ ट्रैक है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और देखते उठाते मजा उसका ट्रैक का। चलो बाय। यहाँ पे हमने आधी तो चढ़ाई कर ली है अभी। यहाँ पे हमने आधा सफर तय कर लिया है अभी तक। यस भाई लोग, अभी हमने 75% नहीं, ऑलमोस्ट 80% हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यही सामने अभी मंदिर है, और मंदिर में जो घंटा उसकी आवाज भी यहाँ पे यहाँ तक सुनाई दे रही है। तो बस थोड़ा सा ही बचा है, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं उसे भी। एंड अभी अश्विनी भी थोड़ी सी थकी हुई सी लग रही है ना अश्विनी? हाँ थक रही है। हाँ लग रही है, अभी थकी हुई थोड़ी सी। चलो ठीक है, कंप्लीट करते हैं जो भी 20 या 30% जो भी बचा है कंप्लीट करते हैं, एंड वहाँ से जो भी नज़ारा है तो दिखाते सब लोगों को कैसे लगते ऊपर से पुणे, है ना? यस चलो। यहाँ पे आप देख सकते कि अमोल जी कैसे चढ़ रहे। ये थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, बट आप चढ़ सकते। यहाँ पे जो टफ था वो तो अभी चढ़ लिए हमने। यहाँ से देख सकते कितना सुंदर मौसम है, यहाँ पे नजारा है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ही, बस 2-3 सेकंड का ही है, 3-4 सेकंड का ही है, बस एकदम टफ है, थोड़ी सी बस केयर करके चढ़ना पड़ता है। दूसरा रास्ता भी है उधर से भी थोड़ा आसान है, तो थोड़ा सा लड़कियों के लिए उधर से आसान है, तो चढ़ सकते, लड़की इधर से भी चढ़ सकती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपके पैरों में बस शूज़ वगैरह हो तो अच्छी ग्रिप आ जाती है, तो उसे चढ़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ट्रैक तो शूज़ पहन के ज़्यादा से अच्छा होता है, स्लीपर या फ्लोटर पहन के कभी ट्रैक करना नहीं चाहिए। तो
तो आप देख सकते हो इधर से पूरा पूरा पुणे सिटी यहाँ से नज़र आता है आपको। यहाँ पे देखो पूरा बहुत अच्छा नज़ारा है, तो आप इधर से देख सकते हो। और यहाँ पे ये पुणे की साइड में तो आप जस्ट ये जो अपना टेक जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे जो बेस है उधर पूरा प्लॉटिंग वोटिंग हो चुका है। चलो ठीक है, इधर भी पुणे बढ़ रहा है बहुत सारा, अच्छा है। ये बहुत पुराना है, वैसे तो वहाँ चल के ही पता चल जाएगा कितना पुराना है वो, देखते वहाँ पे। बस थोड़ी दूर पे रह गए, यहाँ पे सेकंड रो है, यहाँ से भी आ सकते आप। वो रोड नहीं जाना तो आपको, एक दो तीन पुष्पा पुष्पराज।